बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर टुडेस टॉपिक इज मेटालिक बॉन्ड एंड दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? दिस इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम एंड यू कैन से बिटवीन मेटल आयन। ये कौन सा बॉन्ड है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम और मेटल आयन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। डेफिनेशन बेटे इसी कैसे अभी याद करें। दिस इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एटम और मेटल आयन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। देखें, बॉन्ड्स की हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आयोनिक बॉन्ड को भी बेटा पढ़ चुके हैं और हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मेटालिक बॉन्ड के बारे में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं और बॉन्ड को हमने क्या कहा था? सिंपली हम कह सकते हैं बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटम्स आपस में बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। बेटे मेटल एटम आपस में कैसे बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं? किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, किस बॉन्ड की वजह से? उस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब हमें जानना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। एग्जांपल्स का भी हमें पता होना चाहिए। सिल्वर का नाम आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा सिल्वर। कॉपर का नाम भी आपने सुना है। ये जो हम जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर हम लेते हैं या फैन हम लेते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हम उससे शॉपकीपर से पूछते हैं, भाई इसकी जो वायरिंग है मोटर की, वो सिल्वर की है या कॉपर की है? वो जो सिल्वर कॉपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो बेटे वो कौन होते हैं? वो मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मेटल हैं। सिल्वर है, कॉपरा कॉपर है, आवरम है, आवरम सोने को कहते हैं, आयरन है। इन सारी एग्जांपल्स का आपको पता है, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। मेटल्स होते क्या हैं? मेटालिक बॉन्ड तो मैंने बता दिया। मेटल्स होते क्या हैं बेटे? मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फिर दोहरा देता हूं, मेटल्स क्या हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन लूज सो इलेक्ट्रॉन सो इजिली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो इजिली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, दे आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेटल्स कह रहे हैं। और ये गुड कंडक्टर होते हैं बेटे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। याद रहेगी ये बात, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया। मेटल्स क्या हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन सो इजिली एंड कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल्स। और मेटल्स क्या हैं? दीज आर द कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकती है? कंडक्ट हो सकती है, इसमें से फ्लो कर सकती है। ये तो हमने मेटल्स के बारे में जान लिया। और हमने कहा जी इन मेटल्स के जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो मेटल एटम है, ये मेटल आइन है जो आपस में बंधे हुए हैं जिस बॉन्ड की वजह से, उसे हम क्या कह रहे हैं? मेटालिक बॉन्ड कह रहे हैं। बेटे हमने यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा पीरियाडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यानी राइट एलिमेंट्स का जो राइट साइड पीरियाडिक टेबल की राइट साइड में है, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? कम होता है। और जो लेफ्ट साइड में है, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और ये लेफ्ट साइड पे हैं कौन? ये मेटल्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेटल्स का साइज बड़ा होता है। देखें, बात को समझने की कोशिश करें। फर्स्ट करें, ये मेटल एटम का न्यूक्लियस है और मेटल एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान बहुत सारे जो हैं शेल्स हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हैं। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो सकते हैं साइज बड़ा होने की, एक रीजन ये हो सकती है। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं और साइज, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से साइज, अगर इसका एटम्स का मेटल एटम का साइज अगर बड़ा है तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। मैं क्या कह रहा हूं, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटे रिक्वायर्ड होती है,
उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आपने चैप्टर थर्ड में पढ़ी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है जी, साइज बड़ा होने की वजह से हम कह रहे हैं होल्ड ऑफ न्यूक्लियस जो है, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ये डिक्रीज हो जाती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, अगर आप इसको तवज्जो से सुनेंगे तो ये आपको लेक्चर हर सूरत बेटे समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, और मैं ये बॉन्ड जिन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है, मेटल के एटम्स के दरमियान बनता है, मेटल्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, और हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियडिक टेबल के अंदर मेटल लेफ्ट साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड में वाले एलिमेंट्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और जब साइज बड़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड डिक्रीज हो जाएगा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर, देयरफॉर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर हो गया तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। फर्ज करें ये कोई मेटल है, कॉपर का हमारे पास ये पीस है फर्ज करें, या आयरन का पीस है, ये उसके एटम है, जब ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, साइज बड़ा है, रिमूवल इजियर है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो गई है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स की, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल से निकल के तो इनमें मौजूद जो फ्री स्पेस है उसमें क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जो इन मेटल एटम के दरमियान जो फ्री स्पेस है उसमें फ्रीली मूव करते हैं। अब ये मेटल एटम क्या बन जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ये मेटल आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। ठीक है बेटे, हमने कहा जी ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, उसकी रीजन क्या है बेटे, किसी भी शय के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो करती है उसकी दो रीजन हो सकती हैं, या तो उस शय में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना है बात को, या फिर उसमें क्या होंगे, फ्री आयन मौजूद होंगे। अगर किसी शय में इनमें से कोई एक चीज मौजूद है तो इनकी वजह से वो शय क्या होती है, कंडक्टर होती है। हमने कहा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, और वो गुड कंडक्टर होने की रीजन क्या है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से है, क्यों है, हमने कहा जी मेटल एटम का साइज, फिर दोहरा रहा हूं, मेटल एटम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया, थोड़ी एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, वैलेंस शेल से निकल के मेटल एटम के दरमियान फ्री स्पेस में फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, ये किसी पर्टिकुलर एटम से जो है ये अटैच नहीं होते, जिसके करीब जाएंगे वो मेटल आयन उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किसी पार्टिकुलर से जो है ये अटैच्ड या अट्रैक्ट नहीं होते। बात को फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। अब ये जो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पूल या इलेक्ट्रॉन सी, इसे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी भी कहते हैं, इस थ्योरी को कि मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन निकल के जो फ्री स्पेस है उसमें फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पूल बना देते हैं, या इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं, या इलेक्ट्रॉन गैस बना देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, जो आप फर्स्ट ईयर में बेटे पढ़ेंगे, इस थ्योरी का क्या नाम है, यहां पे तो नहीं डिस्कस किया गया, इस थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल सा आसान सा है टॉपिक, और जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी सी वो देख लेते हैं। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और अभी हमने पढ़ा ये गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर हार्ड एंड हैवी नेचर, और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने और गुड कंडक्शन की रीजन, इन सारी चीजों की जो रीजन है वो क्या हो सकती है, वो मेटेलिक बॉन्ड है। गुड कंडक्शन की रीजन, इनमें क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये हार्ड और हैवी नेचर है, रीजन क्या हो सकती है, इनमें मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है,
और इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उसकी रीजन क्या होती है जी, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है और ये बॉन्ड जो है स्ट्रांगर बॉन्ड है, दिस इज द रीजन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, वेरी सिंपल वेरी इंटरेस्टिंग, और इस केस से आसानी से आप इस पूरे टॉपिक को याद कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा।